हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आनंदमयी कविता कौन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और उसको अच्छे से समझेंगे भी। आज का चैप्टर है 10, लेसन 10 है बच्चों, और हिंदी की कविता है और क्लास 2 के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का छोटा सा पोयम। ठीक है, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। है ना बच्चों, इतने सारे प्रश्न कौन उठाता अगर हम नहीं होते तो। इसमें जो है, इस कविता में सिर्फ प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें एक छोटा बच्चा अपना प्रश्न पूछ रहा है कि अगर नहीं होता, अगर चांद में जो रात में चांद नहीं होता तो हमको जो है कहीं जाने का दिशा कैसे हम देखते, अगर न सूरज होता तो फिर दिन जो है सोने सा कैसा चमकता, और अगर निर्मल नदियां नहीं होती तो हमारी प्यास कौन बुझाता, और पर्वत नहीं होते तो मीठे मीठे झरने भला बहाता कौन। है ना, अगर नहीं होता पेड़ जो नहीं होते तो हरियाली फिर कौन फैलाता, और फूल नहीं होते तो बताओ अच्छे से खिल खिल कर कौन मुस्काता, अगर न होते बादल तो फिर इंद्रधनुष कौन बनाता, और अगर नहीं होते हम लोग तो कौन प्रश्न उठाता। है ना, तो कविता जो है, छोटी सी कविता में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसका प्रश्न अभ्यास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता। क्या होता बच्चों, सोचिए सोचिए और इसका जवाब दीजिए। अगर चांद जो है और सूरज नहीं होते तो हमारा क्या होता, तो इसका आंसर लिखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा कि अगर चांद और सूरज नहीं होते तो चंदा मामा हम कैसे बुलाते, और सूरज ना होता तो दिन ही नहीं होता। है ना बच्चों, आपको यहाँ दिख रहा होगा दूसरा नंबर जहाँ लिखा है 2 नंबर, वहाँ पे इसका आंसर दिया है। ठीक है बच्चों, तो पहले प्रश्न का आंसर है, अगर चांद और सूरज ना होता तो क्या होता। अगर चांद ना होता तो हम चंदा मामा कैसे बुलाते, अगर सूरज ना होता तो दिन ही नहीं होता। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या आपने इंद्रधनुष देखा है, तो इसका आंसर होगा हाँ मैंने इंद्रधनुष देखा है। 3 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कब बनता है पता कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, इंद्रधनुष हल्की बारिश के समय साफ आसमान में दिखाई देता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं। इसका उत्तर हम लिख देंगे, इंद्रधनुष में जो है 7 रंग देखे हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। चलिए बच्चों, नीचे अब दिया गया है, इन शब्दों से प्रश्न बनाइए। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना, क बीच में जो है क लिखा है, जैसे कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किसके, क्यों, कब, ये चारों बगल जो फूल जैसे बने हैं बच्चों, ये सब जो हमारा प्रश्न है, हमें इनसे एक वाक्य बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। जैसे कौन, कौन का हम बनाएंगे, तुम कौन हो, है ना, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इससे हुआ कि ये प्रश्न है। नेक्स्ट है कहाँ, दीदी कहाँ जा रही है ना, ये भी जो है एक प्रश्न बना हमारे कहाँ से। ठीक है, कहाँ इसमें हमने लगाया, दीदी कहाँ जा रही है, तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर अगला जैसे है कैसे,
तो आप कैसे हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा किसने, माँ यह काम किसने किया है। हम यहाँ पे भी प्रश्न कर रहे हैं, जैसे किसके, गेंद किसके पास है, क्यों, सूरज पीला क्यों होता है, कब, पिताजी कब आएंगे। तो हमने इस प्रकार से प्रश्न बनाया। 2 नंबर में लिखा है, कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए, है ना। नीचे दिए गए जो वाक्य हैं उन्हें हमें पूरी करनी है। देखिए यहाँ लिखा है, अगर पेड़ न होते तो, अगर पेड़ न होते तो, क्या बताया गया है कविता में इसको, कि अगर पेड़ न होते तो, यहाँ पे लिखा गया था ना कविता में कि अगर पेड़ ना होते तो हरियाली फैलाता कौन, है ना, हरियाली नहीं होती। अगर नदियाँ ना होती तो निर्मल पानी नहीं होता। और अगर पर्वत ना होते तो झरने नहीं होते। और अगर फूल ना होते तो खिलकर कौन मुस्काता। इस तरह के कुछ और वाक्य बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया गया है, एक इंद्रधनुष बनाइए और रंग भरिए। आपको यहाँ पे हम चित्र जो दिखा रहे हैं ना, वैसा ही इंद्रधनुष बना दीजिए और उसको वैसे ही कलर कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। जैसे लाल लिखा है, मेरी उम्र 7 साल है। और नारंगी के सामने लिखा है, मेरे घर में 8 लोग रहते हैं। और पीले रंग में लिखा है, मैं जो है कहाँ रहता हूँ, जहाँ आपका घर है वहाँ का नाम लिख दीजिए। जैसे मैं अभी चमोली में हूँ तो मैं लिखूँगी, मैं चमोली में रहती हूँ, है ना। नेक्स्ट है हरा, मुझे आम खाना बहुत पसंद है। नीला, मेरे मनपसंद रंग है नीला। जामुनी रंग से लिख दीजिए, मुझे जो है कौन जानवर पसंद है, तो मुझे हो गया बिल्ली पसंद है, है ना। जो जानवर आपको पसंद है वो लिख देना है। और बैगनी रंग से लिख देंगे, मैं शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहती हूँ। तो बच्चों, हमने आज का प्रश्नाभ्यास खत्म किया। आज हमने पढ़ा लेसन 10, कविता का नाम था कौन। फिर मिलेंगे बच्चों आपसे एक नई कविता लेकर, नई कहानी लेकर। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।